हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्विटमेंट आ रही है वेस्ट बंगाल म्यूनिसपल सर्विस कमीशन की तरफ से तो फ्रेंड्स यहां पे आप लोगों की परमानेंट जॉब होने वाली है यहां डिप्लोमा और बी बी टेक वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल रहेंगे और कब से स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट रहने वाली है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है सब असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल में फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं इसकी एप्लीकेशन सब असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल सिक्सटी सेवन वेकेंसी रिलीज़ हुई है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए ट्वेंटी नाइन है और अनरिज़र्व रिजर्व पी डब्ल्यू डी वालों के लिए दो वैकेंसी एस सी वालों के लिए नाइनटीन और एस टी के लिए फ़ोर ओ बी सी ए वालों के लिए एट ओ बी सी बी वालों के लिए फाइव वन वैकेंसी ऑफ अंड पी डब्ल्यू डी हैज़ बिन कैप्ट रिजर्व फॉर द फॉर विद और लो विजन कैंडिडेट्स इन एन अदर वन हैज़ बिन कैप्ट फॉर कंडीशन सफरिंग फ्रॉम लोको मोटर डिसबल और सेरिब्रल पॉलसी वालों के लिए तो यहाँ पे आप लोग पे लेवल जो है ट्वेल्थ की रहने वाली है काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स और यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा आगे गई है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट काउंसिल फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन और इट्स इक्वलेंट मांगी गई कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर में ऑल्सो अप्लाई तो यहाँ पर भी बी टेक वाले भी एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स एज नॉट मोर देन थर्टी सेवन ईयर्स और फर्स्ट जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट सब्जेक्ट टू एज रिलेक्सेशन एज ट कैसा रहने वाला है तो डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एज कास्ट पी डब्ल्यू डी सर्टिफिकेट मस्ट बी स्कैन अपलोडेड अलॉन्ग विद ऑनलाइन अपलिकेशन बोला फाइट सर्टिफिकेट इश्यूड बाई कंप्यूटर अथॉरिटीज मस्ट बी ऑप्टेन विद इन दी क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ बॉन्ड भी आप लोगों को फिफ्टी रुपीज़ का जो है नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर लेके जाना होगा और यहाँ इज़ रिलैक्सेशन जो है आप लोगों का अपर एज लिमिट जो है रिलेक्सबल मिलेगा फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए फाइव ईयर्स ट्राइव्स और यहाँ पे ऑल इंडिया एलिजिबल रहने वाले हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है फ्रेंड्स तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर अनिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट वन हंड्रेड फिफ्टी और अदर प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस फिफ्टी रुपीज़ हो जाएगा तो टू हंड्रेड आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है और अदर कैटेगरीज़ के लिए फ़िफ्टी रुपीज़ ओनली प्रोसेसिंग चार्ज रहने वाला है नो एग्जैम्पन ऑफ फ़ी इज़ अवेलेबल टू एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग का मैथड ऑफ रिक्यूटमेंट एंड सिलेबस जो है वो शेयर की गई है तो यहाँ भी एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन कोलकाता सेंटर ओनली बताई गई है एंड इन टू सक्सेसिव स्टेजेस दो स्टेज में कंडक्ट कराई जाएगी रिटर्न टेस्ट जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सेकेंड जो है पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी रिटर्न टेस्ट 200 मार्क्स का होगा फ्रेंड्स वो एमार बेस रिटर्न एग्जामिनेशन होगा टू हंड्रेड मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग टू मार्क्स ईच विल बी कंडक्टेड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा फ्रेंड्स फॉर ईच फॉर एवरी इनकरेक्ट और रॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन विल बी सर्ड इन इंग्लिश एंड टाइम अलाउड विल बी टू आवर्स बताई गई है फ्रेंड्स और यहाँ पे आप लोग वन करेक्ट और इनकरेक्ट वालों के लिए वन मार्क्स रखी गई है एवरी इन करेक्ट और रॉन्ग आंसर के लिए तो नेक्स्ट पर्सनालिटी टेस्ट फोर्टी मार्क्स के लिए होगा द पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड एट अ कमीशन ऑफिस इन कोलकाता बेज ऑन द मेरिट कैंडिडेट्स ऑफ फोर टाइम्स नंबर ऑफ़ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब्जेक्ट टू ऑप्टेंट क्वालिफाइंग मार्क्स फोर्टी फाइव परसेंट फॉर जनरल कैंडिडेट्स फोर्टी परसेंट ओ बी सी ओ बी सी और ये सारी रिलैक्सेशन मिल जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑप्टेंट बाई द कैंडिडेट इन द रिटर्न एंड पर्सनैलिटी टेस्ट और यहाँ पर रिजल्ट ऑफ़ द इन एग्जामिनेशन जो है वो भी आप लोगों को द नीम्स ऑफ दाल फॉर पर्सनलिटी एंड दोनों पब्लिश प्रोविजनली सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ़ द कैंडिडेट्स एंड वेरीफिकेशन ऑफ ऑरिजिनल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ सच वेरीफिकेशन और लेटर ऑन एनी कैंडिडेट इज फाउंड इन एलिजिबल कैंडिडेटर और अलॉटमेंट और रिकमेंडेशन और अपॉइंटमेंट विल भी कैंसल्ड कर दी जाएगी और यहाँ सिलेबस भी बता दी गई है कोर्स कंटेंट जो है डिप्लोमा लेवल एग्ज़ामिनेशन की रहने वाली है और यहाँ माई में भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स अ कैंडिडेट नाउ इन सर्विस अगर किसी सर्विस में है अंडर द सेंट्रल या स्टेट या सेमी या लोकल या स्टेशनरी बॉडी में तो वहाँ से आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा फ्रेंड्स रिचर्स ऑफिस ऑफ द वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल सर्विस विद इन सेवन डेज प्रिस द डेट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लें इफ़ एट एनी स्टेज कैंडिडेट इज फाउंड इन एलिजिबल फॉर एडमिशन इन टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ एलिजिबलिटी फॉर दिस एग्ज़ामिशन किसी भी स्टेज पर अगर आप लोगों को इन एलिजिबल और रॉन्ग पाया गया तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है फ्रेंड्स तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें और यहाँ लास्ट डेट जो रहने वाली है आप लोगों लोग थर्टी ऑफ अप्रैल तो उससे पहले पहले ज़रूर से अप्लाई कर दें फ्रेंड्स और यहाँ क्वेश्चन बैग एंड बैगेज मोबाइल फ़ोन से ये सारी चीज़ें जो है वो अलाउड नहीं रहेंगी एग्ज़ामिनेशन वेन्यू पे तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें फ्रेंड्स और यहाँ पे बता दी गई है फॉर एनी अपडेट और कॉरेजेंडम नोटिस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो इज हर ऑफिशियल वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस पे आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं फ्रेंड्स और यहीं से ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई भी करना है तो बेस्ट ऑफ लक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में थैंक्स फॉर वॉचिंग